आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेम्स इंग्लिश बुक की एक पोयम को जिसका टाइटल है द ब्लाइंड बॉय। इस पोयम में एक अंधा बच्चा है जो संसार को देखना तो चाहता है लेकिन संसार को देख नहीं सकता। वह उन सभी खूबसूरत चीजों को देखना चाहता है जिसके बारे में कभी उसको बताया गया था। वह साथ ही उस रोशनी के बारे में जानना चाहता है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। यहाँ इस पोयम में बच्चा संसार को देख नहीं सकता, फिर भी वह अपने जीवन को लेकर बहुत खुश है, उसे अपने आप पर गर्व है। इस पोयम में हमें यह पता चलेगा कि एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास कितना जरूरी है। उसका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए और उसे अंदर उसके मन में एक संतुष्टि होनी चाहिए अपने जीवन को लेकर। अगर उसका मन खुश है तो उसका जीवन भी अच्छा रहेगा। तो चलिए अब इस पोयम को रीड करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। ओ से व्हाट इज दैट थिंग्स कॉल्ड लाइट। पोइट कह रहे हैं कि वह क्या चीज है जिसे रोशनी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर इस बच्चे ने कभी रोशनी को देखा नहीं क्योंकि वह उसके सामने हमेशा अंधेरा रहता है, वो अंधा है। तो लड़का कह रहा है कि वह क्या चीज है जिसे रोशनी कहा जाता है। विच आई मस्ट नेवर इंजॉय, जिसका आनंद मैंने कभी नहीं लिया, जिसको मैंने देखा ही नहीं कभी। वॉट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ साइट, यानी वो नजारों के आशीर्वाद क्या हैं, मतलब जिनके बारे में मुझे कभी बताया गया, वो प्राकृतिक नज़ारे क्या हैं जिन्हें जिनका आनंद मैंने नहीं लिया। ओ टेल द पुअर ब्लाइंड बॉय, बताओ इस बेचारे अंधे लड़के को। यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, आप बात करते हो उन सभी अद्भुत चीजों की, उन सुंदर चीजों की जो आपने देखी हैं। यू से द सन शाइन ब्राइट, आप कहते हो कि सूरज की रोशनी चमकती है, सुनहरी होती है। आई फील हिम वॉर्म बट हाउ कैन ही और मेक इट डे और नाइट, कि मैं तो उस रोशनी को देख नहीं सकता लेकिन मैं रोशनी को महसूस कर सकता हूं क्योंकि वो बहुत गर्म होती है। सूरज की रोशनी की बात की जा रही है कि मैं सूरज की रोशनी को देख नहीं सकता, मैं उसको महसूस कर सकता हूं पर लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वह सूरज की रोशनी जो मेरे शरीर को गर्म कर देती है वो कैसे दिन और रात बनाती है, दिन और रात होते कैसे हैं। माई डे और नाइट माई सेल्फ आई मेक, मेरे दिन और रात मैं खुद बनाता हूँ। When ever I sleep or play, जब भी मैं सोता हूँ या फिर कुछ खेल रहा होता हूँ। कहने का मतलब है, बच्चा कह रहा है कि मेरे दिन और रात मेरे सोने और जागने से ही बनती हैं। जब तक मैं सोता रहता हूँ तो वो मेरे लिए रात है और जब तक मैं जाग रहा होता हूँ, कुछ खेल रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ तो वो मेरे लिए दिन है। एंड कुड आई एवर कीप अवेक, और कभी अगर मैं पूरे दिन जागता रहूं, विथ मी टूअर ऑलवेज डे, तो तब तक जब तक मैं जागता रहूंगा तब तक के लिए वो मेरे लिए दिन है। नेक्स्ट स्टेंजा, देन लेट नोट वॉट आई कैन नोट हैव, तो छोड़ो उन सभी चीजों को जो मेरे पास नहीं है। माई चीयर ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा तो मेरी जो दिमाग की शांति है, जो मेरा खुशी है, वो भंग हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगी। Whilst thus I sing I am a king, इस दौरान जब मैं गाता हूँ, कुछ गीत गा रहा होता हूँ, तो मैं अपने आप को राजा समझता हूँ कि मैं खुद ही अपने संसार का राजा हूँ। Although a poor blind boy, इसके बावजूद भी मैं एक अंधा लड़का हूँ, बेचारा अंधा लड़का हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चा है, हालांकि वो अंधा है, फिर भी वो अपने मन को में उसने अपनी संतुष्टि बनाई हुई है कि जैसा जीवन वो बिता रहा है उसके लिए वो भी जीवन बहुत ही अच्छा है, और वो नहीं चाहता कि वह अलग अलग चीज़ों के बारे में जाने क्योंकि उससे जो उसकी मन की संतुष्टि है, मन की शांति है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है जो उसे नहीं मिल सकती। तो यहीं पर ये पोयम ख़त्म होती है, जिसको लिखा है कोले किबर नाम के एक पोइट ने। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।